देखना बेटा, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट कॉन्सेप्ट किस पे अप्लाई होता है? सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स, सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, कुछ भी। मुझे समझाने की जरूरत नहीं ना, फिक्स्ड एसेट्स किसे कहते हैं, बी केयरफुल। बड़ा मजेदार है और बड़ा सिंपल सा है। कॉस्ट प्रिंसिपल, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एक ही बात है सारी। एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। इट इज एंड इट शुड बी शोन एट इट्स ओरिजिनल प्राइस, हिस्टोरिकल प्राइस। मार्केट वैल्यू चेंज हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाएंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाएंगे, और डेप्रिशिएट होता रहेगा, जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गाड़ी खरीदी 5 लाख रुपए की, आपने गाड़ी खरीदी 5 लाख रुपए की, एक साल के बाद उसकी वैल्यू हो गई 4 लाख रुपए। आज के रेट में उसकी वैल्यू है 4 लाख रुपए, जो आपने गाड़ी खरीदी, एक साल पुरानी गाड़ी कह रहे 4 लाख की बिकेगी है, बट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो 10% है। तो अकाउंट्स कहते हैं कि आप 5 लाख पे ही दिखाओ और बस अपना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करते जाओ। मार्केट में वो 4 लाख की हो गई। सर, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, आपने 5 लाख की खरीदी, कॉस्ट 5 लाख, आज की रेट में उसकी मार्केट वैल्यू 4 लाख है, 5 लाख पे दिखाएं या 4 लाख? कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है 5 लाख पे दिखाओ, मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस ने तो बोला था कि 4 लाख पे दिखाओ भाई। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस ने बोला था कि हाँ दिखाओ उन चीज क्लोजिंग स्टॉक को, क्योंकि वो सामान तो आपने बेचना है, तो मार्केट में उसका क्या रेट चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज में आप डील करते हो, वो सामान आपने बेचने के लिए लिया है या बिजनेस में यूज करने के लिए? एसेट यूज करने के लिए और स्टॉक बेचने के लिए। तो आपका आंसर भी सही था, आपका भी आंसर था सर। डिपेंड्स कि खरीदा क्या था। ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा है, ओन यूज के लिए, तो ओन यूज के लिए है, बेचने के लिए नहीं है, तो मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है उससे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन स्टॉक तो वो चीज रिप्रेजेंट करता है जिस चीज में आप डील करते हो, मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस स्टॉक इन्वेंट्री पे अप्लाई होता है, फिक्स्ड एसेट्स पे नहीं। फिक्स्ड एसेट्स पे नहीं, ओके। अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एसेट एसेट एसेट, सर स्टॉक भी तो एसेट होता है, तो ये कौन से एसेट्स की बात कर रहे हैं? नॉन करेंट एसेट्स। किन की बात कर रहे हैं? नॉन करेंट एसेट्स लाइक फर्नीचर, मशीनरी एटसेट्रा। क्लियर? एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट, एंड द कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग। जरा सब कुछ कॉस्ट के बेसिस पे ही आगे कैलकुलेशन होंगी। एसेट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज, बट इज सिस्टमैटिकली रिड्यूस्ड बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट मे चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट फॉर अकाउंटिंग पर्पस इट कंटिन्यूज टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट इट्स बुक वैल्यू। मार्केट में उसकी वैल्यू तो चेंज होती रहेगी, आप किस पे दिखाएंगे? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू होती है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट। आपने 5 लाख की खरीदी है तो कॉस्ट 5 लाख ही रहेगी 5 साल के बाद भी, बस डेप्रिसिएशन सिस्टमेटिकली चार्ज होती रहेगी। तो बुक वैल्यू क्या होगी? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन चार्ज टिल डेट। सो एग्जाम्पल, एन एसेट इज परचेज फॉर 5 लाख, एंड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स, इवन इफ इट्स मार्केट वैल्यू इज से 4 लाख और 7 लाख,
येट द एसेट शैल कंटिन्यू टू बी शोन एट फाइल। आपने 2022 में मशीन खरीदा, कुछ भी लैपटॉप, वो हैवी मशीनरी कुछ भी खरीदा 5 लाख का, एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू है 4 लाख, तो 5 लाख पे दिखाओगे यहाँ 4 लाख, 5 लाख एसेट अगर है तो अगले साल भी वो 5 लाख का ही रहेगा, बस उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होती जाएगी, डेप्रिसिएशन चार्ज होती जाएगी, चाहे मार्केट में वैल्यू 4 लाख है या 7 लाख है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्यों नहीं फर्क पड़ता? करेक्ट, बिकॉज दे आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, दिस इज द रीजन, बिकॉज दे वर नॉट परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, दे आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, दे आर मेंट फॉर ओन यूज, सो व्हाट इज द मार्केट प्राइस एट द मोमेंट इज इमेटीरियल। इंपॉर्टेंट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, सिर्फ और सिर्फ नॉन करेंट एसेट्स पे अप्लाई होगा, बी केयरफुल, एंड इन्वेस्टमेंट्स इन नॉन करेंट एसेट्स।